हाय गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यूली लॉन्च शटल कॉक जो हमें लीनिंग कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है, जिसका नाम है फ्यूचर 9। एंड हम इसे डायरेक्टली कंपेयर करने वाले हैं मैविस 350 से। एंड ये भी पता लगाएंगे कि क्या फ्यूचर 9 बेटर है मैविस 350 से। एंड लास्ट में हम हर कैटेगरी में रेटिंग भी देंगे। तो ये है इसका बॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हो जो बॉक्स है वो काफी बढ़िया दिख रहा है। एंड यहाँ आपको बैडमिंटन लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे लिखा है नाइलॉन शटल कॉक एंड यहाँ फ्यूचर 9 की ब्रांडिंग। यहाँ आपको नीचे में पूरा रेड कलर देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा, नीचे लीनिंग की ब्रांडिंग। तो ये शटल कॉक आपको तीन कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा, फास्ट, मीडियम एंड स्लो। सो जो हमारे पास है वो स्लो है, जैसे कि आप देख सकते हो जो इसका कैप है वो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिल जाता है, जो डिटरमाइन करता है स्लो शटल कॉक जो कि वार्म कंडीशन के लिए सुटेबल है। जैसे इंडिया में मैक्सिमम वार्म रहता है तो हम स्लो शटल ही यूज करते हैं। उसके बाद आता है मीडियम स्पीड वाला शटल कॉक जो आपको ब्लू कैप में देखने को मिल जाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन के लिए ठीक रहता है। उसके बाद आता है फास्ट वाला जो कि आपको रेड कैप में देखने को मिल जाता है एंड वो कोल्ड कंडीशन के लिए सुटेबल रहता है। बॉक्स के इस साइड आपको लीनिंग का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ लिखा है मॉडल नेम फ्यूचर 9, कलर येलो एंड क्वांटिटी 6 पीस। ये भी शटल आपको 6 पीस में देखने को मिल जाती है। उसके नीचे आपको कुछ बारकोड एंड क्यूआर कोड वगैरह देखने को मिल जाता है। सो अगर आपको चेक करना है कि ये शटल कॉक ओरिजिनल है कि नहीं, तो आपको ये क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो आप एक लीनिंग के वेबसाइट में पहुंच जाओगे, वहां आपको एक वेरिफिकेशन कोड बाजू में लिखा हुआ रहेगा, आपको उसको डालना है। चेक दबाते ही आपको मल्टी कलर से कुछ नंबर देखने को मिल जाते हैं, वो मल्टी कलर के नंबर को आपको ये जो बॉक्स में मल्टी कलर के नंबर से मिलाना है। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो पता लग जाएगा कि ये शटल कॉक ओरिजिनल है। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं मैविस 350 से। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा मैविस 350 का बॉक्स, इसमें भी आपको 6 शटल देखने को मिल जाएगी, 3 स्पीड के शटल, फास्ट, मीडियम एंड स्लो। एंड बॉक्स की क्वालिटी की बात करें तो मुझे मच बेटर लगा फ्यूचर 9 का बॉक्स एज कंपेयर टू मैविस 350। तो चलिए शटल को निकाल लेते हैं। तो जो मेरे लेफ्ट साइड में वो है मैविस 350 एंड जो मेरे राइट साइड में है वो है फ्यूचर 9। तो जैसे कि आप देख सकते हो दिखने में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ये आपको लाइम कलर में देखने को मिल जाता है एंड ये थोड़ा सा येलो। शटल के ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं स्कर्ट एंड दोनों ही प्लास्टिक मटेरियल से बना है एंड जो नीचे का बेस है दोनों का ही कॉर्क मटेरियल से बना है। अंदर में आपको लीनिंग का लोगो देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे फ्यूचर 9 की ब्रांडिंग, ऊपर में आपको M350 देखने को मिल जाएगा जो कि है मैविस 350, उसके नीचे योनेक्स का लोगो एंड उसके नीचे लिखा है मेड इन जापान। दोनों शटल कॉक के डिजाइन की बात करें तो जो फ्यूचर 9 शटल कॉक का डिजाइन है वो ऑलमोस्ट 90% सेम है मैविस 350 से, बस एक छोटा सा डिफरेंस है वो है। सो आप जो मैविस 350 का ये वाला पार्ट देख रहे हो ये हमें थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है साइज में एज कंपेयर टू फ्यूचर 9 एंड इसका जो एंगल है ऊपर और नीचे ये भी हमें थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो जो ये आप काफी सारे पैटर्न देख रहे हो जिसके बारे में हमने बात किया, इसमें आपको एक सर्कल सा स्ट्रैप टाइप का देखने को मिल जाएगा जो कि आप बाहर से भी देख सकते हो एंड अंदर से भी इजीली विजिबल है एंड ये काफी थिक देखने को मिलता है। वहीं मैं फ्यूचर 9 की बात करूं तो इसमें आपको बाहर से नहीं देखने को मिलता है एंड अंदर से आप देख सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा थिन देखने को मिलता है लाइन। दोनों शटल कॉक की वेट की बात करें तो दोनों शटल कॉक का वेट ऑलमोस्ट सेम है जो कि 5 ग्राम है। फ्यूचर 9 शटल कॉक की फ्लाइट की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट मुझे सेम देखने को मिली मैविस 350 की तरह। तो कोई अगर मैविस 350 से खेलता है एंड अगर आप उसे बिना बताए ये फ्यूचर 9 शटल कॉक दे देते हो एंड बोलते हो खाली टॉस मारने के लिए, तो वो पहचान नहीं पाएगा कि वो मैविस 350 है कि फ्यूचर 9 है। ये चीज मैंने पर्सनली फील भी किया है एंड अपने दोस्तों से ट्राई भी करवाया है। तो जब मैं स्पीड टेस्ट या फ्लाइट टेस्ट कर रहा था तो जो दोनों का डिस्टेंस था वो सेम था एंड सही था। अगर शटल ये दोनों लाइन के बीच में गिरती है तो स्पीड सही है, अगर आगे गिरती है तो फास्ट है एंड अगर पीछे गिरती है तो स्लो है। फ्यूचर 9 शटल कॉक की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं इसकी ड्यूरेबिलिटी को लेके एंड आप में से काफी लोग होंगे, क्योंकि जब हम इस शटल के साथ खेलते हैं तो ये शटल टूटती बहुत जल्दी है। मालूम है मैंने 3 डब्बा फ्यूचर 9 शटल कॉक यूज किया है एंड एक कभी इसका जो बेस है वो निकल के फेंकाया नहीं है एंड एक और चीज जो इसका स्कर्ट है ऊपर वाला पार्ट वो भी बहुत ही रेयरली टूटा है। लेकिन ये शटल टूटती कहां से पता है? मैक्सिमम वो उसके ये वाला जो लाइन देख रहे हो आप, बहुत सारी लाइन, तो ये यहां से टूटती है जैसे कि आप देख सकते हो एंड ये जितने ज्यादा टूटते जाता है उतने ही शटल का स्पीड बढ़ते जाता है। मैविस 350 की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मच बेटर है फ्यूचर 9 से, लेकिन कभी कभार कुछ शटल होती है जो बहुत जल्दी इसका जो कॉर्क है नीचे का वो फेंका जाता है एंड जो ऊपर का पूरा पार्ट है वो सही रहती है। एंड अगर इसका बेस नहीं निकलता तो हम काफी सारे मैच खेल लेते हैं एंड बहुत सारे मैच खेलने के बाद जो ये शटल फटना चालू होती है ये इसका ऊपर वाले पार्ट से। वैसे मैंने लीनिंग कंपनी वाले लोग से बात किया रिगार्डिंग ड्यूरेबिलिटी ऑफ फ्यूचर 9 शटल कॉक, तो उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट स्टॉक आएगा वो उसमें मच बेटर आपको ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलेगा एंड अगर ऐसा होता है तो मैं एक और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फ्यूचर 9 की गेम प्ले की बात करें तो स्टार्टिंग में एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि हम काफी टाइम से मैविस 350 से खेल रहे थे एंड सडनली हमने फ्यूचर 9 में शिफ्ट किया तो 1-2 दिन जमने में लगा। बाकी जब आप टॉस मारोगे तो आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फ्यूचर 9 शटल कॉक की स्मैश की बात करें तो जब आप इसे बहुत पावर से स्मैश मारते हो तो शटल थोड़ी सी मुड़ जाती है। मुड़ने के कारण
क्या होता है कि शटल स्पीड हो जाती है एंड उसे फिर डिफेंस करना डिफिकल्ट होता है एंड कंट्रोल भी थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू मैविस 350। यार पता नहीं लेकिन जब मैं मैविस 350 से खेलता हूं ना तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझे फ्यूचर 9 में थोड़ा कम देखने को मिला। बाकी मैं बोलूंगा बहुत अच्छा ट्राई रहा लीनिंग कंपनी की तरफ से, क्योंकि ऑलमोस्ट 60-65% आ गए हैं मैविस 350 के एंड जैसे कि कंपनी बोल रही है कि वो इंप्रूव करेगी अपनी ड्यूरेबिलिटी एंड जो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है मारने के टाइम वो अपने नेक्स्ट स्टॉक में, तो फिर आई थिंक काफी क्लोज आ सकते हैं मैविस 350 के। एंड ये आप भी फील कर रहे होंगे कि थोड़ा सा मैविस 350 का मोनोपोली टाइप का हो गया, जिसके कारण जो इसका प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। वैसे प्राइस की बात करें तो फ्यूचर 9 आपको 900 रुपीज के अराउंड देखने को मिल जाएगा एंड मैविस 350 की बात करें तो ये हमारे यहाँ अभी 1000 रुपीज के अराउंड चल रहा है। वैसे जब आप फ्यूचर 9 शटल कॉक खरीदोगे ना तो इसके साथ आपको एक कीरिंग भी देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हर कैटेगरी में फ्यूचर 9 को रेटिंग दे देता हूँ, तो मान लो कि हर कैटेगरी में जो इसका रेटिंग है वो 10 out of 10 है, क्योंकि हम डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं मैविस 350 से। वेट की बात करूं तो जैसे कि मैं बताया था दोनों का जो वेट है ऑलमोस्ट सेम है, तो फ्यूचर 9 को मैं 9.5 दूंगा वेट में। ड्यूरेबिलिटी के मामले में जैसे कि मैं बताया ये शटल बहुत जल्दी टूटती है तो मैं 4.5 दूंगा आउट ऑफ 10। स्पीड 8, कंट्रोल 7.5, फ्लाइट 9.5, कंप्रेस जब हम शटल को मारते हैं तो शटल कितनी मुड़ती है तो उसके हिसाब से मैं इसे 7.5 दूंगा आउट ऑफ 10। डिफेंस की बात करूं तो 6.57 के अराउंड दूंगा, क्योंकि अगर कोई पावरफुल स्मैश मारता है तो डिफेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओवरऑल गेम प्ले की बात करें तो मैं इसे 7 दूंगा। एंड आप क्या सोचते हो फ्यूचर 9 एंड मैविस 350 शटलकॉक को लेकर एंड आप क्या रेटिंग देना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। करता हूं ये कंपैरिजन बिटवीन फ्यूचर 9 एंड मैविस 350 आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1 महीना लग गया, क्योंकि काफी टाइम लग गया शटल को टेस्ट करने के लिए और मैं चाहता हूं कि मैं अपने तरफ से एकदम बेस्ट वीडियो ला के दूं, क्योंकि काफी सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड काफी लोग बिलीव करते हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि एकदम बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट एंड बहुत अच्छे रिव्यूज आपको ला के दूं। आशा करता हूं ये पूरी वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी टाइप की वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डन बॉय।